नौ वर्ष के मौके पर हैदराबाद के ऋषि शृंग भवन दालमंडी में पहली बार अंग्रेजी कैलेंडर का विमोचन हुआ। यह कार्यक्रम हैदराबाद के सिखवाल समाज द्वारा किया गया था। इसमें क्षेत्र के विशिष्ट जनों और बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि नौ वर्ष के शुभ अवसर पर हैदराबाद के ऋषि शृंग भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में सिखवाल समाज द्वारा पहली बार अंग्रेजी नौ वर्ष कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विशिष्ट जनों के समाज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें द न्यूज़ इंडिया के डायरेक्टर महेश जी उपाध्याय और उनके बेटे साहिल उपाध्याय को मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए सम्मानित किया गया। इस समाज के द्वारा समय समय पर उन प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया जाता है जो मुख्य धारा से हटकर कुछ अलग करते हैं। हैदराबाद के द्वारा आज यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर वर्ष 2017 का नूतन कैलेंडर यहाँ पर विमोचित किया जाएगा और साथ ही यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है नंद गोपाल जी, नंद किशोर जी, व्यास। हम बात करेंगे इनसे कि पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, कृपया अपने दर्शकों को बताएं। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। सिखवाल ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित आज के इस भव्य सम्मेलन में नए वर्ष के मिलन के अवसर पर सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ समाज की ओर से, एवं ये काफ़ी उत्साहपूर्वक एवं एक प्रेम पूर्वक जो मनाया जा रहा है। रूपों में जितने भी वृद्ध मेरे भाई बहन बुजुर्ग बधा रहे हैं, सभी को हार्दिक अभिनंदन। सिखवाल सेवा दल के मंत्री जी श्री रामदेव जी होता है पधार चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर। श्री महेश उपाध्याय द न्यूज चैनल के, द न्यूज इंडिया चैनल के डायरेक्टर हैं। हमारे समाज में मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम लाने का श्रेय स्टूडेंट की। तीन बार यहाँ पर कैंप रखकर साहिल ने